नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ट्वेल्थ बाईपार्टाइट का एमओयू साइन हो चुका है और एक्सपेक्टेड सैलरी के चार्ट आने शुरू हो गए हैं विद 17% हाइक एंड 3% लोड। पिछले दिनों मैंने भी ऑफिसर्स और क्लर्कल के बारे में शेयर किया था एक जानकारी। अभी जो भी जानकारियां आ रही हैं सो इंडिकेटिव जानकारियां हैं। सो लेकिन सब स्टाफ के लिए, सबॉर्डिनेट स्टाफ के लिए ऐसा कोई जानकारी नहीं थी। तो एक्सक्लूसिवली दिस वीडियो फॉर द आवर सब स्टाफ, जिनके लिए मैंने एक तैयार किया है कि अगर 3% लोड फैक्टर है और मर्जर 8088 पॉइंट्स ऑफ डीए है तो उसके हिसाब से सब स्टाफ का 12th बाईपार्टाइट में बेसिक पे क्या इनिशियली होगा। सो उसका कैलकुलेशन एक सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर बेसिक 14,500 था तो डीए मर्ज होगा 30.38% और 3% जो बेसिक लोड है, बेसिक पे फैक्टर, उसके साथ न्यू बेसिक जो बनेगा वो 19,472, अगर आप राउंड ऑफ करके 19,500, या हमारे कुछ साथी उसको 19,470 कर रहे हैं, लेकिन जब तक फाइनल ना हो तब तक ये इंडिकेटिव ही है। सो 19,500 लेकर मैं चला हूँ। और फिर मैंने एक कैलकुलेशन किया कि अक्टूबर 22 में क्या बेसिक, क्या ग्रॉस सैलरी थी और नवंबर 22 में क्या बेसिक हो जाएगी इस पर एक्सपेक्टेशन या एस्टिमेशन से। तो अगर आप अक्टूबर 22 में कैलकुलेट करें तो बेसिक डीए स्पेशल अलाउंस और डीए ऑन स्पेशल अलाउंस मिला के हमारा ग्रॉस 23,092 बनता है। और कंपेरेटिवली चार्ट में देखें नवंबर 22 का, तो जब बेसिक पे 19,500 को कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग डीए एंड स्पेशल अलाउंस को, ये मान के चलते हैं कि जो 16.40 है वो 30% होने की उम्मीद है। लेकिन फाइनल कैलकुलेशन करते समय क्या होता है उस हिसाब से होगा। और उस पे डीए कैलकुलेट करके जो हमारा ग्रास बनता है वो 26,871 बनता है। ये उस समय नवंबर 22 में के लिए कैलकुलेशन है। हम नवंबर में 23 चल रहे हैं, अकॉर्डिंगली डीए में चेंजेज आएंगे और जो नया बेसिक पे और नया स्पेशल अलाउंस आएगा और इसके अलावा जो भी एडिशनल बेनिफिट हमारे सब स्टाफ को मिलते हैं वो मिलेंगे। लेकिन ये इंडिकेटिव है कि 3% लोड और 17% हाइक के हिसाब से हमारी इंडिकेटिव सैलरी इतनी ही आएगी। सो फ्रेंड, दिस इज फॉर योर ओनली फॉर आवर सब स्टाफ साथियों के लिए है, जो अपना एक एस्टिमेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका सैलरी कितनी होगी। थैंक यू, नमस्कार।